फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल आवर फ्रेंड्स। आज हमें एक टास्क मिला है फ्रेंड्स, जिसमें हमें पेंट करने हैं दिए। और इसे पेंट करने के लिए हमें मिले हैं कुछ स्पेशल कलर्स, तो हम आपको दिखाते हैं कि DIY दिए को कैसे पेंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने ट्यूटोरियल के साथ। तो सबसे पहले हमें चाहिए रंगीला कलर्स, जो हर जगह अवेलेबल मिल जाते हैं। अब हमें चाहिए कुछ ब्रशेस, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्रशेस हैं कुछ ब्रॉड ब्रश, और ये इसके बाद छोटा, और उसके बाद कुछ और ब्रशेस। तो फिर अब हम इन सबको सेटल कर लेते हैं और देखते हैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल कि दिया को पेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए रेड कलर, तो हम रेड कलर खोलेंगे। रेड कलर खोलने के बाद हमें इसे साइड साइड में पेंट कर देंगे, जैसे कि ये जगह आपको दिख रही है। आप अपने दिए में कैसे भी कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आपका दिया हो। तो ऐसे पेंट करने के बाद हम इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। आप देखिए मैं कैसे पेंट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें चारों तरफ से इस दिए को पेंट कर देना है। अब हम इसको पेंट करेंगे येलो कलर से। सो येलो कलर लेते हैं, येलो कलर से स्टार्ट करते हैं। तो येलो कलर इधर से लेंगे हम। इसे दूसरे पेंट में ड्रिप करिएगा, नहीं तो आपका ब्रश में सेम कलर आ जाएगा उसका। अब हम इसे दिए के ऊपर में जहाँ पर बत्ती लगाते हैं वहाँ पर पेंट कर देंगे। यहाँ पर पेंट करने से दिया बहुत सुंदर लगता है, और जो ब्लैक ब्लैक कलर आ जाते दिए में वो भी नहीं आता। जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ पेंट कर दिया है। अब हम यहाँ पे वाइट वाइट पेंट करेंगे, जो येलो येलो सर्कल्स के बीच में है। तो इन वाइट 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 पेंट करने के बाद आपको अपना दिया बहुत ब्यूटीफुली पेंटेड दिखेगा। तो आप देखिए मैंने कैसे पेंट किया, और ऐसे ही अपने घर पर भी दिए को पेंट कीजिए। आई होप आप सभी का दिया बहुत सुंदर बनेगा। फ्रेंड्स, क्योंकि ये दिया है तो इसमें हम वाइट पेंट करते हैं तो ब्राउन ब्राउन इफेक्ट आ जाता है। तो मुझे डबल लेयरिंग करनी पड़ेगी वाइट पेंट की। अगर आपका दिया ब्राउन नहीं है या फिर डार्क ब्राउन है, तो आपको भी डबल लेयरिंग करनी पड़ेगी वाइट की, या फिर वाइट के नीचे कोई और कलर लगा के फिर वाइट करना होगा। नहीं तो आपके दिए में भी येलोइश थोड़ा सा कलर आ जाएगा, जैसे मेरे में आ रहा है। तो मैंने ये कर दिया है। अब यहाँ पे जो लाइंस हैं, इन लाइंस को भी मैं वाइट कर देती हूँ, जिससे ये बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे, और आई एम श्योर आपका भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो इन लाइंस को पेंट करने के बाद हमें अंदर भी पेंट करना पड़ेगा। तो पहले ये लाइंस पेंट कर लेते हैं ऊपर तक, दिए के मुँह तक। आप देख सकते हैं मैंने पेंट कर दिया। अब हमें इसके बीच में पेंट करना है रेड और येलो से। सो पहले मैं आपको रेड से थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, फिर हमें उसी के बीच में येलो से भी करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रेड हमें इधर इधर करना है। अब देख सकते हैं आप, मैंने रेड चारों तरफ कर दिया है। अब इसके बीच में जो ब्राउन ब्राउन लाइन्स बची हैं, इनमें हमें करना है येलो कलर। सो येलो कलर करने के लिए हमें ब्रश को धोना पड़ेगा, और फिर ब्रश को धोने के बाद आप देख सकते हैं मैंने कैसे कर दिया है ऐसे येलो पेंट। इसके अंदर मैंने किया है ब्लू, पिंक और ग्रीन से पेंट। आप भी ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। ये यहाँ पर अनंत अपना दिया पेंट कर रहा है। तो अनंत ने सोचा कि वो अपने दिए को थोड़ा सा अलग बनाएगा। इस दिए में चार साइड्स हैं, तो फिर अनंत ने सोचा कि वो सबसे पहले ब्लू लेकर इसकी बॉर्डर लाइनिंग को करेगा। सो ये आप देख सकते हैं वो ब्लू से बॉर्डर लाइनिंग कर रहा है, थोड़े से पानी में डिप करके, ताकि इसमें ब्राउनिश इफेक्ट ना आए। मैंने बॉर्डर लाइनिंग नहीं करी थी, जिसकी वजह से मेरे ब्राउनिश इफेक्ट आ रहा था। तो फिर अनंत ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू ब्लू पेंट कर दिया है। अब यहाँ पर ब्लू पेंट होने के बाद उसने सोचा कि इसको थोड़ा ग्लिटरी बनाया जाए। तो उसने लिया थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा सिल्वर कलर, और उस सिल्वर कलर के ऊपर से ब्लू वाले पे चला दिया, जिससे एकदम सुंदर ग्लिटरी सा इफेक्ट आ रहा है दिए में। अगर आपको भी अपने दिए में ग्लिटरी इफेक्ट चाहिए, तो अपने दिए में पेंट करने के बाद उसके ऊपर थोड़े से ग्लिटर कलर्स लगा दीजिए, जिसके आप दिए बहुत ब्यूटीफुली पेंटेड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये दिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इसके बीच में कलर करने की बारी है। तो इसमें बीच में कलर करने के लिए अनंत ने लिया है और येलो पेंट। तो अब येलो पेंट को आप देख सकते हैं, येलो पेंट ज़्यादा अच्छे से घुलता नहीं है, तो फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। और फिर पानी लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुली फैल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये येलो कलर इतने अच्छे से फैल रहा है। तो फिर इसमें हम थोड़ा सा और लेंगे, तो ये अनंत ने पूरा इसे येलो कलर कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा गोल्डन लेके इसे भी ग्लिटरी इफेक्ट देना है। अनंत ने इसे पेंट के साथ ऐसे मिक्स कर दिया। लेकिन अगर आपको अपने दिए में ग्लिटरी इफेक्ट चाहिए, तो फिर आपको पहले से उस दिए को पेंट करके सुखा लेना होगा, उसके बाद उस पर ग्लिटर डालेंगे, तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो दो दिए हम दोनों के पास है। तो फिर अनंत ने अपना एक दिया पेंट कर दिया है, मैंने भी अपना एक दिया पेंट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा सेकेंड दिया
मैंने कैसे पेंट किया था। तो सेकंड डे को भी एकदम डिटो वैसे ही पेंट करना है जैसे हमने लास्ट वन डे को पेंट किया था। तो इस डे को वैसे ही पेंट करने के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब मैं आपको इसको पूरा सा पेंट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसे मैं एकदम वैसे ही पेंट कर रही हूँ जैसे मैंने लास्ट वन डे को पेंट सकते हैं। यहाँ दोनों दियों को मैंने पेंट कर दिया है, अनंत ने भी अपना कर दिया है, मैं आपको अनंत का दिखाती हूँ। तो ऐसे देखकर आप हमारी वीडियो को आप भी अपने घर पे होममेड दिए को पेंट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, देखिए आप मेरे ये दिए बन चुके हैं। और अगर आपको ऐसे ही दिए बनाने सीखने तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी हम आपको और दिए दिखाते हैं।